अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन फॉर टीनेजर्स। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज हम बात करेंगे स्किन केयर रूटीन के बारे में, जो कि बहुत अफोर्डेबल हो और हर तरह की स्किन को सूट करे। तो जनाब, स्किन केयर रूटीन मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, हर कोई अपने अपने मर्ज़ी के स्टेप्स रखता है, बट जो यूजुअली होते हैं स्टेप्स, वो 5 स्टेप हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहली बात यह कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। यार, छोटे बिज़नेस को तो सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा भी तो यही छोटे से बिज़नेस है, इसको भी सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़ इंशाल्लाह। आप अगर इनपुट देंगे तो अल्लाह ताला आपको आउटपुट भी इसका ज़रूर देंगे। और हाँ जी, एक और बात कि मैं यहाँ पे प्राइस वगैरह उनकी सब की मेंशन करते जाऊँगी इंशाल्लाह, ताकि आपको हेल्प हो सके और आप इजीली उनको ले सको, चीज़ों को बाय कर सको। और हाँ, तीसरी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप उसको सर्च करके ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत हो गई मेरी बड़बड़ और बहुत हो गई मेरी बकवास, चलते हैं आप वीडियो की तरफ। तो जी, स्टेप नंबर 1 ये है। तो जी, सबसे पहली बात होती है फेस को क्लीन करने की। तो फेस को क्लीन करने के लिए हमें क्या चाहिए? टीनेजर्स को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जॉनसन का बेबी ऑयल जो है वो ले लो, उससे आप अपनी स्किन को क्लीन किया करो। बट ये वाला पॉन्ड्स का जो क्लींजिंग मिल्क है ना, ये भी बहुत अमेजिंग है, आप इसको भी ले सकते हो। इसका ये जेंटली काम करता है आपके फेस पर, आपके चिल को बहुत अच्छा कर देता है और बहुत ही क्लीन, बहुत साफ कर देता है। तो सर, आपने इसको थोड़ी सी अमाउंट अपने हाथ पे लेनी है और उसको अपने फेस पे लगाना है और सर्कुलर मोशन में, छोटे छोटे मोशन में आपने उसको गोल गोल इस तरह अपनी उंगलियों को घुमाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से और अपने फेस पे मसाज करना है। 2-3 मिनट मसाज करें, इससे ज़्यादा नहीं करें, और बिल्कुल लाइट लाइट हल्के हल्के हाथों से इसको मसाज करना है। ये बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है और इसकी प्राइस जो है ये 450 का है शायद, या 500 के अंडर अंडर है। तो बहुत मज़े का है, जेंटल भी है और बहुत अच्छा करता है काम आपके फेस पर, आपकी स्किन पर। तो जी, स्टेप नंबर 2 है फेस वॉश। फेस क्लीन करने के बाद फेस को वॉश करना होता है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फेस वॉश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी हिमालय का फेस वॉश, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है और उसके अंदर अगर आपको एक्ने वगैरह है तो नीम में भी आता है, लेकिन अगर आप अपनी स्किन को ब्राइट करना चाहते हो तो वो लेमन में भी आता है। लेमन के अंदर ऐसी चीज़ होती है कि आपके फेस को ब्राइट करती हैं, थोड़ा सा आप चाहते हो कि आपके फेस ब्राइट ना पहुँच जाए तो उसको आप ले सकते हो। बट आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ रिवाज यूके का, जो लेमन वाला है बहुत अच्छा है, हेलोरोनिक एसिड है। बट इसीलिए मुझे कुछ इसके अंदर डाउट था कि आप टीनेजर जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर हेलोरेनिक एसिड है जो कि थोड़ा सा हार्म हो सकता है आपकी स्किन के लिए। अच्छा जी, बहुत मैं भी तेज़ तेज़ बोलते जा रही हूँ, बट मैं आपको ये बता रही थी कि इसका बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, इतना मज़े का है ना, बस आपके वॉशरूम में पड़ा हुआ इतना प्यारा लगेगा क्या बताऊँ, बस आप इसको ले सकते हो। इसके अंदर एक और भी था केकुम्बर वाला, उसका भी बहुत प्यारा कलर था। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, क्यूट क्यूट सी, बहुत क्यूट लगती हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। और इसका कलर भी बहुत प्यारा, उस पर लेमन बने हुए हैं और इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी क्रीमी है और इसके अंदर थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स भी हैं वाइट कलर के, जो कि आपकी फेस पर अच्छा सा काम करते हैं, बस ब्राइट ना पहुँच जाती है फ़ौरन से फिर आपकी जल्द और आपकी स्किन। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन ब्राइट हो जाए और तो एक ऑप्शन आपके लिए ये भी हो सकता है, बट वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जो अच्छा लगे आप वही जाकर ले सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट वही नहीं जो मैं कहूँ। तो जी, थर्ड स्टेप है वो ये है कि आप अपने फेस को टोनर लगाओ। टोनर बेसिकली काम ये करता है कि आपके फेस के अंदर जो पोर्स हैं हल्के से खुल जाते हैं मसाज की वजह से या फिर उसको क्लीन करने की वजह से, तो उसको मिनिमाइज करता है और आपके पोर्स के अंदर जाके आपके स्किन को अच्छा सा हाइड्रेट करता है और अच्छा रखता है। टोनर के लिए बहुत ऑप्शन है बाज़ार में, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट जो ये है ना, ये है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है और बहुत मज़े का है, आपके फेस इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, तो बहुत अच्छा काम करता है, आप इसको ले सकते हो रोज़ वाटर को। और ये 100 का मुझे मिला था, आई गेस आप अपनी मर्ज़ी से सईद खानी का भी ले सकते हो, मरहबा का भी ले सकते हो, जिस भी ब्रांड का आपको अच्छा लगे या सूट करे वो ले सकते हो, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रोज़ वाटर। तो रोज़ वाटर आप मस्ट है, मस्ट लो ज़रूर, अपनी स्किन के अंदर इसको ज़रूर शामिल करो। मैं तो जब भी अपना फेस वॉश करती हूँ ना, उसके बाद आके आप इसको फ़ौरन से स्प्रे करती हूँ। ये स्प्रे बॉटल में आता है असल में, तो आप इसको अपने फ्रिज में रख सकते हो, ठंडा ठंडा होता है। गर्मी की वजह से इंसान जब स्कूल कॉलेज से वापस आता है तो कितनी अजीब फीलिंग होती है,
गर्मी होती है बहुत, तो यह है कि आप इसको उठाकर ठंडा ठंडा अपने फेस पे उसी वक्त अप्लाई करो और आपका फेस जो है फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश। तो ये चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, जो कि है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज अच्छा मॉइस्चराइज होना आपकी स्किन, आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टीनेजर हो तो इसलिए आप एलोवेरा जेल ले सकते हो। एलोवेरा जेल बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है आपके फेस को, और जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरे नंबर पर आता है आपको जॉनसन क्रीम ले लो। जॉनसन क्रीम बहुत अमेजिंग है, 24 आवर्स तक आपको मॉइस्चराइज़र देती है, जो कि मैं यहाँ पर मेरी ख़त्म हो चुकी थी इसलिए मैंने ये शो नहीं की यहाँ पर। तो जो है थर्ड ऑप्शन है कि पॉन्ड्स की जो जेल वाली आई हुई है ना नई क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये 48 आवर्स तक कहते हैं कि आपको स्टे करती है और मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए आप उसको भी ले सकते हो। बट एलोवेरा जेल ज़्यादा अच्छी है, आपकी स्किन पर बहुत अच्छी रहेगी। तो यही आप लोग, मैं सजेस्ट यही करूँगी। तो जी लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है 5 स्टेप, और जो कि है SPF का। SPF तो आपकी ज़िंदगी में लाजमी लाजमी होना चाहिए। SPF के बिना आपकी जल्द ऐसे करें कि जल्द सड़ जाती है बस, तो इसीलिए आपको SPF रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल पाकिस्तान में जो गर्मी का हाल है ना, सब जानते हैं कितना बुरा हाल है, तो इसी वजह से आपको सन टैन हो जाता है और जो है इसकी वजह से रिंकल, झुर्रियाँ वगैरह बहुत जल्दी पड़ने लग जाती हैं। तो उसको पड़ने से जब पड़ जाएँ तो फिर लगाना, ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हमें पहले से उसकी तैयारी रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ें यूज़ करते जाएंगे तो हमारी स्किन बहुत लेट तक अच्छी रहेगी, बहुत देर तक, यानी बुढ़ापा उस पर बहुत देर तक आएगा। बुढ़ापे को आने से रोक नहीं सकते, बट उसका प्रोसेस जो है बहुत लेट हो जाता है। तो जो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।